हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षदीप्स किचन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वाल के शेंगा की रेसिपी। इसे ना हम वॉलर के शेंगा भी बोलते हैं या फिर फ्लैट बीन्स भी बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया सब्जी बनती है। तो चलिए हम रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने ये बीन्स ले लिया है। इसको हमने ना पहले दोनों साइड से ऐसे तोड़ लेना है और साइड से जैसे इसके छिलके निकल रहे हैं ना वैसे हमें निकाल लेना है। उसके बाद ना ऐसे बीच में से हम उसे तोड़ लेंगे और जो अंदर की बीज है उसे हम पहले निकाल लेंगे। अभी उसके बाद ना हम ऐसे एक एक इंच के इसके टुकड़े कट कर देंगे। इस तरीके से अभी मैं और एक यहाँ पे आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इस तरीके से ना हमें पहले दोनों साइड से तोड़ लेना है। उसके बाद ऐसे बीच में से उसके बीज निकाल कर हम उसके एक एक इंच के टुकड़े कर देंगे। बीज ना उसके बहुत ज़्यादा बड़े होंगे तो उसको बाहर निकालना है, छोटे होंगे तो ऐसे ही हम इसे तोड़ लेंगे। तो इसमें ना हम अभी पानी डाल के रख देते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने प्लेट में मीडियम साइज़ का एक एक प्याज टमाटर कट करके लिया है, थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च लहसुन को थोड़ा सा दरदरा पीस कर ले लिया है। अभी तेल गर्म होने के बाद ना हम उसमें डाल देंगे आधा आधा चम्मच जीरा और राई। जीरा राई चटकने के बाद हम उसमें डाल देंगे 8 से 10 करी पत्ते। अभी करी पत्ते भी अच्छे से हमने फ्राई कर लिए हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज। प्याज को ना अच्छे से हमें कलर चेंज होने तक भून लेना है, थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक। अभी यहाँ पे ना प्याज थोड़ा सा भून चुका है। उसके बाद हम डाल देंगे कटा हुआ टमाटर। टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद ना हम इसके ऊपर डाल देंगे स्वादानुसार नमक। नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया हमने इसे। उसके बाद ना हम दरदरी पीसी हुई हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिला के पका लेंगे। उसके बाद ना हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला। अभी हमने डाल दिया आधा चम्मच मटन मसाला। इसके बाद डाल देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अभी ना सारे मसाले हमने डाल दिए हैं। अच्छी तरीके से हम मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे प्याज टमाटर को। अभी यहाँ पर ना हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अभी हमने जो बीन्स पानी में भिगो कर रखी थी ना वो हम इसमें डाल देंगे। सारी बीन्स हमने डाल दिए हैं मसाले में। अभी ना बीन्स को हमें मसालों के साथ अच्छी तरीके से मिला लेना है। अभी हम बीन्स को मिलाने के बाद हम उसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच दरदरा पीसा हुआ मूंगफली का पाउडर। इससे ना अगर हमें इसमें ग्रेवी बनानी है ना तो एकदम थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी बन जाती है। तो अभी हमने ना अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिला के हम ना गैस की फ्लेम लो कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे पका लेंगे। अभी 3-4 मिनट पकाने के बाद ना हमने इसे खोल लिया है। अभी एक बार अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद ना हमें इसमें पानी डाल देना है। तो आपको जैसे ग्रेवी चाहिए या फिर सूखी सब्जी चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हो। मैंने ना यहाँ पे 1 गिलास पानी डाल दिया है क्योंकि मुझे थोड़ी सी इसमें ग्रेवी चाहिए गाढ़ी। तो हम ना एक बार अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। अभी फुल फ्लेम पे ना हमने इसे 1 मिनट के लिए उबाल आने दिया है। फिर गैस की फ्लेम लो करके हम इसे पकने तक छोड़ देंगे ढककर। तो यहाँ पर हमारी सब्जी अच्छे से पक कर तैयार हो चुकी है। ऊपर से हम ना कटा हुआ धनिया डाल देंगे। अभी देख सकते हो आप यहाँ पे एकदम अच्छे से सॉफ्ट तरीके से ये बीन्स भी अंदर से पक चुकी हैं।
एकदम बढ़िया तरीके से हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है। अभी हमने जो धनिया काट कर रखा था वो हम ऊपर से डाल देंगे। धनिए को भी एक बार मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर ना हमारे वॉल के बीन्स की सब्जी तैयार हो चुकी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सब्जी को ना अभी हम प्लेट में सर्व कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया खुशबू और ये एकदम मस्त लगती है सब्जी खाने में। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे राइस के साथ खा सकते हो या फिर रोटी के साथ खा सकते हो। बहुत ही बढ़िया लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।